बात हुआ था ना क्या? अच्छा अच्छा साफ सूटर पहन के एक ही हीरो को देखे, इसको ठंडी नहीं लग रहा है। कौन है? जिया जी होंगे तुम्हारे भाभी होती तुम कहते अभी तुम मैं जवान नहीं भाभी ना एक बार बहुत गाना गा रही थी ठंड के टाइम में और उन्हीं उसी के अगला दो अगले ही दिन मुख चले गए वहाँ हॉस्पिटल में। हाँ नहीं भाभी गा रही थी गाना ऊपर में बोली थी। हाँ ऊपर में नहीं लगा था रही थी बोले थी दो तीन दिन ठंडा नहीं लग रहा गई ना ऊपर में तो ऐसे ही चल गई थी कपड़ा पसाने गई या कपड़ा पसाने आ गई मुला को ठंडा नहीं लगता है आके तो थर में अभी हम जवान हैं हम बोले बाहर हमने चलिए अच्छा बात है आ कल ही हो गया चल गई होती तो हमने जवान ही निकल गया। हमारे बेटा का देखिए अभी हम लोग यहाँ बैठ के कॉफी पी रहे हैं ठंड में देखिए सब लोग स्वेटर पहने वो हीरो को देखिए कोई स्वेटर नहीं है पप्पा स्वेटर वेटर नहीं खरीदते अच्छा ये व्लॉग बना रहे हैं। हाँ तो तुम्हें क्या लगा? मम्मी का कॉफी अभी चल रहा है हीटर चल रहा है और हम लोग बरंदा में बहुत दिन के बाद बैठे नहीं लगभग डेढ़ दो महीना तीन महीना हो गया ढंग से बैठे हाँ, सही में। हुआ था, तो वहाँ था अब भाभी के जाने से पहले हॉस्पिटल जाने से पहले तक हम लोग यहीं पे सोफा तोड़ते थे हमें क्या आप सोफा मुँह देखता है तो आज सोफा पहले बहुत दिन के बाद फूल दिख रहा था बड़ा अच्छा लग रहा है हम लोग चाय कॉफी इंजॉय कर रहे हैं मेरा तो हो गया मम्मी का चल रहा है अभी तो गनीपुर से आया है ये साग पालक और इसका है क्या बोलते हैं सॉरी सरसों का ये बनाकर भेजी है तो इसमें से भाई जी खाया है मैं खाई हूँ मम्मी के लिए है और इसमें खीर ये देखिए तो ये है खीर तो ऐसा होते रहता है यहाँ कुछ बनता है अच्छा तो वहाँ जाता है वहाँ कुछ बनता है तो यहाँ आता है इस तरीके से वैरायटी हो जाता है खाने के लिए और मज़ा भी आता है तो एक्सचेंज होते रहता है कभी भैया आज फिर वहाँ जाएगा तो शाम को वहाँ जाएगा तो वहाँ बन रहा है मटन या चिकन कुछ तो बनेगा क्योंकि सब लोग उधर ही है मैं हूँ यहाँ पे भैया है मम्मी तो मम्मी खाती नहीं है और भाई जी और मैं बच्चे तो बउआ को बउआ मुझे छोड़ेगा तो फिर मैं बनाऊँगी क्योंकि यहाँ डाइनिंग में बनाना पड़ता है आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में किचन में नहीं बनता है तो बाहर में नल वगैरह है रुके दिखाती हूँ। ये है डाइनिंग का दरवाज़ा इसको खोला तो यहाँ पे ये नल है ठीक है तो यहीं पे वॉश किया जाता है तो वहीं पे बर्तन वगैरह क्लीन करना पड़ता है और फिर मतलब अंदर लाकर स्टोव लगाकर बनाना पड़ता है तो मैं तो आज भाभी उधर बना रही हैं तो उधर से ही आएगा मेरे लिए भैया तो उधर से ही खा के आ जाएगा और अभी ना वहाँ बेसिन लगने वाला है जो बेसिन आता है ना जिसमें सिंक के साथ साथ काउंटर टॉप भी लगा होता है स्टील का आता है स्टील बॉडी तो वो लगने वाला है ऊँचाई पर ताकि बर्तन क्लीनिंग में भी दिक्कत ना हो रखने में भी दिक्कत ना हो नहीं तो क्या होता है ना यहाँ पे बर्तन क्लीन करने के बाद सुखाने के बाद फिर जाकर सीढ़ी घर में रखना पड़ता है। शाम को मतलब रात का खाना तो बनाना है नहीं तो फिर कुछ काम ज़्यादा नहीं है आज किचन में मम्मी का खाना है दिन का मतलब बचा हुआ है सब्जी वगैरह तो रात को चपाती खाएगी तो चपाती राइस खाएगी तो राइस तो अभी शाम का टाइम हुआ तो मैं आ गई दिया बाती करने के लिए क्योंकि मम्मी बउआ के साथ है अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं दोनों नानी और नातिन नाती तो मैं दिया बाती कर देती और दिया बाती करने के बाद मैं आ गई वापस से किचन में कुछ काम तो है नहीं ठंडी का टाइम है तो मैं सोची चलो लहसुन कूट कर थोड़ा सा तेल गरम कर लेती हूँ और अपने पैर में मम्मी के पैर में बुआ के पैर में सबके पैर में थोड़ा थोड़ा मालिश हो जाएगा थोड़ा गर्माहट रहेगा इससे घूमने के लिए ले जाओ गनीपुर फायदा होता है अगर एक लड़की का मायके और ससुराल पास में हो तो परेशानी नहीं होती है कभी मतलब सब चीज़ें आसान रहता है तो अभी यही भैया वापस गया खाना देकर वहीं भाभी के
यहाँ पे वहीं पे रुकेगा आज। मैं यहाँ पे अभी ताला लगा दे रही हूँ गेट में, लॉक कर देती हूँ क्योंकि लगभग सब लोग सो ही गए हैं, अभी कौन बाहर जाएगा इतनी ठंड में। तो आज वहाँ मटन बना था तो वही आया मैंने आपको, आप लोगों से दिन में शेयर किया था ना कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है चिकन मटन बनाने में, तो उधर ही बना था अंकल मतलब भाभी के पापा लेकर आए और फिर भाभी उधर ही बनाए थे और कल शायद इधर चिकन बनेगा, देखते हैं। यही दो दिन होता है खाने का और आज किचन में ज़्यादा कुछ काम है नहीं क्योंकि मम्मी खाना नहीं खाएंगी, वो स्कूल से आई थी उसी टाइम पे खाई तो उसको भूख नहीं है ज़्यादा, तो बोली कि लाई वगैरह खाई और भैया ना भी डांट रहा था बुआ को इसलिए कि ना इतनी ठंड में वो उसका मन रहता है कि उसको घुमाए पूरे घर में, अब इतनी ठंड में वो गर्म है वो रूम, उस रूम में है फिर दूसरे रूम में जाएगा तो ठंड लग सकता है ना, तो इसलिए वो डांटता है तो चुप हो जाता है बिल्कुल। यहाँ पे मटन और इसमें है चावल, दोनों ही चीज़ें आ गया है तो चावल बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो फटाफट से खाना खाऊंगी फिर किचन का जो काम है छोटा मोटा थोड़ा बहुत वो रह गया वो करूँगी और बज रहे 9, देख सकते हैं 9 o'clock हो रहा है, फिर सो जाएंगे अगर बुआ सोने दिया तो, कंडीशन अ प्लान, प्लानिंग मेरी होती है लेकिन एग्जीक्यूशन बाबू के अकॉर्डिंग होता है तो यही है। चलिए किचन में चलते हैं, मतलब प्लेट भी कौन धोएगा ना, तो हम लोग ऐसे डिस्पोजल वाले प्लेट यूज़ करते हैं नॉनवेज खाने के लिए। तो डिस्पोजल वाला प्लेट बहुत इजी रहता है हम लोग के लिए यहाँ पे, इसमें नॉनवेज वगैरह और आप लोग यकीन नहीं मानेंगे लगभग 8 दिन से हम लोग वेट कर रहे थे नॉनवेज खाने का, क्योंकि क्या होता है भैया बाहर खा लेता है, भैया क्या ना ऑफिस में खा लेता है कभी पार्टी रहा कभी इधर उधर से कुछ, तो और मैं यहाँ अकेले हूँ भाभी भी उधर अकेले, तो ऐसा हो जाता है ना कि अभी इतनी ठंड में बनाएगा कैसे कौन और कैसे, क्योंकि मैनेजमेंट पता है एकदम ठंडा ठंडा लगता है बनाने में, तो इस वजह से और प्लेट में लेके बैठ गई हूँ, अब जा रही हूँ खाने, तो खाने के लिए मुझे बैठना पड़ेगा नीचे तो मैं खाने जा रही हूँ और ब्लॉग को यहीं तक रखती हूँ, यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट और थैंक यू भाभी फॉर मटन एंड राइस। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, वैसे देखते ही हैं वीडियो तो देखते ही हैं, बस कमेंट नहीं करते, कमेंट करने में बड़ी कंजूसी करती है मेरी भाभी भी, तो खैर कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, तो प्लीज़ 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 चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन प्रेस करना ना भूले ताकि मेरे जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिले जैसे ही वो अपलोड होता है, तो बाय बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट। हाँ, मटन और चावल जो कि टिफिन की वजह से स्क्वायर शेप का हो गया है, बैठ गई हूँ मैं खाने के लिए, तो चलिए मैं एंजॉय करती हूँ, बाय बाय। और आप लोग भी ठंड में बनाइए, खाइए, खिलाइए, ठंड में ही खाने का मज़ा आता है नॉनवेज का।